उदयपुर से जयपुर मध्य संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एक सप्ताह में दूसरी बार सोमवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा गंगरार और सोनियाना के मध्य पटरी से उतरने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने पटरी पर पत्थर और लोहे का सरिया रख दिए जाने पर ट्रेन के लोको पायलट ने अनहोनी को भाप लिया और ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जानकारी के अनुसार सोमवार को वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन अपने नियत समय उदयपुर से 7:50 पर चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुई और चित्तौड़गढ़ से ये ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 9:30 पर भीलवाड़ा के लिए निकली। इस बीच गंगरार और सोनियाना के मध्य ट्रेन के लोको पायलट ने पटरी के दोनों ओर छोटे छोटे पत्थर और लोहे के सरिये जमे हुए देखे जाने पर अनहोनी की आशंका के चलते ट्रेन को रोक दिया और नीचे उतरकर देखा तो करीब 50 फीट तक पटरी के दोनों ओर पत्थर और सरिये जमे हुए थे। इस पर लोको पायलट ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर रेलवे के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी प्राप्त की, जिसमें सामने आया कि कुछ शरारती लोगों ने पटरी पर पत्थर रखना की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी रेलवे पुलिस जांच कर रही है। गौरतलब है कि एक सप्ताह में दूसरी बार इसी जगह पर ये वंदे भारत ट्रेन के 7 बदमाशों ने इस तरह की घटना को दोहराया है। गत सप्ताह सामाजिक तत्व वंदे भारत ट्रेन पर टकराव किया था, जिससे कि उसके शीशे टूट गए थे।